A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today, we will understand about group discussion. What is group discussion and what is the importance of group discussion? Okay. As you know that Jamia Millia Islamia will conduct a GD, group discussion, group discussion for the interview round, then personal interview. Then you will get the admission in Jamia Millia Islamia. But most of the universities provides admission.

They will they will assess they will assess your communication skills through these parameters like कौन से words का आपका selection है क्या आप gender neutral term use कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है क्या आपका selection of words है वो बहुत ज़्यादा matter करता है किस पर आपके communication skills पर तो communication skills in जो group discussion बहुत important है और साथ ही साथ उसमें आपकी communication skill के साथ साथ वो तो assess दे वॉन्ट टू नो योर एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम मतलब आप जब ग्रुप में रहेंगे कोई भी आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक जा, दिया, दिया जाएगा वो कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आज के लिए हम समझे तो टूडे वी हैव इलेवन जुलाई ओके ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर अगर आपको दे दिया जाता है टॉपिक पॉपुलेशन के पॉपुलेशन पर बोलिए जनसंख्या पर बोलिए तो जनसंख्या पर बोलने के साथ साथ आप में कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ होंगे कुछ लोग इसके फेवर में होंगे हालांकि बहुत केसेस में ये है कि बहुत लोग इसके खिलाफ होंगे फेवर में बहुत कम होंगे साथ ही अगर हमें कोई टॉपिक ऐसा दे दिया जाता है जो कि दे जो बोलते हैं एक टॉपिक है इथेनेशिया इथेनेशिया मतलब स्वयं की इच्छा से मृत्यु प्राप्त करना लेकिन फिर आप बोलेंगे सुसाइड और यूथेनेशिया में क्या फ़र्क है सुसाइड और यूथेनेशिया में ये फ़र्क होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर ऐसी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं जो कि अनबियरेबल है उस टाइम आपको अपने आप को इच्छा मृत्यु इच्छा मृत्यु देना चाहते हैं उसके लिए आप रेडी हैं आ, क्या वो आपको मिलना चाहिए क्या आपको एक इच्छा मृत्यु मिलना चाहिए क्या उसको सुसाइड नहीं माना जाना चाहिए इस कॉन्टेक्स में आपको एक टॉपिक दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल चलो पॉपुलेशन डे तो हमने एक आपको आज के डे के हिसाब से दे दिया लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ एक टॉपिक मैंने आपको दे, देता हूँ मैं यूथेनेशिया है ना अगर यूथेनेशिया आपको देता हूँ इसका मतलब क्या होता है इच्छा मृत्यु ठीक है यूथेनेशिया अगर मैं आपको टॉपिक देता हूँ कि इस पर आपको क्या करना है ग्रुप डिस्कशन करना है तो कुछ लोग क्या होंगे इसके फेवर में होंगे सम में भी अगेंस्ट तो कुछ अगेंस्ट जो होंगे कुछ फेवर में होंगे अब वो ये जानना जब वो जीडी से हमें ये सामने निकल के आएगा कि आप टीम वर्क किस तरीके से कर पाते हैं अगर आपको अगर आप इसके ख़िलाफ़ हैं तो आप किस हद तक लोगों को इस पर मनवाने के लिए आते हैं आप इसके अगर फेवर में हैं तो किस हद तक आप लोगों को अब ये बात रियलाइज़ कराते हैं कि नहीं यही सच है दिस इज़ द ओनली ट्रूथ वाला अगर आपका बिहेवियर है तो वो तो ग्रुप टीम वर्क जो है आपका वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि आप कितना अच्छी तरीके से लेकर चीज़ों को चल रहे हैं आप दूसरे के ओपिनियन का भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसमें से कोई एक मिड वे जिसे बोला जाता है गोल्डन मीन अगर हम बात करें अरिस्टोटल की तो उन्होंने क्या बोला था गोल्डन मीन वही अगर हम बुद्धाज्म की फिलोसफी की बात करें जिसको बोला गया था बुद्धपात यानी मिड वे मिड वे यानी बीच का रास्ता अपनाना कोई ना कोई ना एक्सट्रीम लेफ्ट ना एक्सट्रीम राइट, राइट बीच का कोई मध्यम रास्ता अपनाना क्या आप उस तरीके पर हैं ठीक है तो यूथेनीसिया के टॉपिक से ही हम आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल को समझेंगे उसके अंदर फिर हमारे सामने निकल के आएंगे जी में आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ लीडरशिप की क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो भी आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं किस में आपके ग्रुप डिस्कशन राउंड में वो कैसे कि अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ हैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं हैं अगर यूथनीशिया है के आप अगेंस्ट हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूथनीसिया के अगेंस्ट है कि नहीं यूथनीसिया नहीं होना चाहिए तो वो आपकी लीडरशिप की स्किल्स आपके वहाँ पर दिखेंगे कि आप और लोगों का भी ओपिनियन शेप करने की हिम्मत रखते हैं आप शेप करने की एबिलिटी रखते हैं कि हम किसी भी कोर्ट से लाइक कोई लीगल कोर्ट से लीगल सेक्शन से आप उसको काउंटर करें सोशल चीज़ों से काउंटर करें या फिर आप उसको फिलोसोफिकल काउंटर करें या आपको उसको या फिर आप उसको मोरालिटी के बेसिस पर काउंटर करें उस चीज़ में आप लोगों के ओपिनियन उसके ऊपर शेप करने की कोशिश करें लेकिन डेमोक्रेटिक वे में इम्पोज नहीं करें डेमोक्रेटिक वे में उसको शेप करने की कोशिश करें तो वो भी आपका दिखता है क्या लीडरशिप की स्किल्स और क्वालिटीज़ बाहर निकल के आती हैं किसमें ग्रुप डिस्कशन राउंड में ओके okay? और क्या क्या देखा जाता है आपका कंटेंट का आपकी नॉलेज देखी जाती है कितना डेप्थ नॉलेज आपको है कितनी डेप्थ नॉलेज आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले गए चल रहे हैं किसका विथ इन का आपके पास कितनी डेप्थ नॉलेज है किसकी उस इश्यूज की उसका सोशल इम्पैक्ट पता हो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पता हो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पता हो लीगल प्रोविजंस पता हो इस चीज़ को लेकर आपके पास अधिक से अधिक जानकारी कितनी है उस पर्टिकुलर रेंडम टॉपिक जो आपके पास आया है उस पर बात करने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव होता है किसका ग्रुप डिस्कशन का हम जब डी में थे हमारी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सीमा शर्मा मैम उन्होंने हमें इस के ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन लिया था जिससे मैंने नोट्स बनाए थे उसी में से कुछ टॉपिक्स मैंने उसमें सब पॉइंट मैंने इसमें आगे अपनी पीपीटी में यूज़ की है ताकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकूँ ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से होता है और नॉट ओनली फॉर द आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली फॉर द एडमिशन राउंड ओनली इट विल हेल्प यू टू गेट बेटर प्लेसमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंडक्ट जी डी बिफोर द सेलेक्शन इस्पेशली इन कैंपस इन इन स्पेशली इन कैंपस प्लेसमेंट्स तो उसमें भी आपके लिए एक ऐज रहेगा एक बेनिफिट रहेगा रहे कि आपको अभी से ये सब चीज़ें प्रिपेयर हैं आप ये सब चीज़ें करते हैं और आप इससे गो थ्रू होकर जा सकते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहता है हमने पहले क्या जाना उसका ऑब्जेक्टिव जाना अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट फॉर्मेट क्या है तो फॉर्मेट में इसका क्या है फॉर्मेट में इसमें आठ से दस ये जो आइडियल है है ना टिपिकली इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है आठ से बारह के लोग आठ से बारह पार्टिसिपेंट्स होते हैं एट टू ट्वेल्व पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं गिवन टॉपिक पर जिसमें टाइम मिलता है थर्टी फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स इट मे बी फोर्टी फाइव मिनट्स ये वेरी कर सकता है ठीक है ये वेरी कर सकता है तो आपको बारह से बारह से आठ से बारह लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे दो कि सर्कल फॉर्म में होता है मोस्टली जो है सर्कल फॉर्म में बिठाकर आपको क्या कराया जाता है जी कराया जाता है जिससे आपको जिससे आपको क्या होता है आप सभी एक दूसरे का फेस देख पाते हैं और सभी इक्वलेंट फील करते हैं ऐसा कोई ऐसा नहीं फील करता कि कोई डोमिनेट सीट पर बैठा है और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो अलग से बेंच पर बैठते हैं ये हमारा हुआ था रिलायंस फाउंडेशन आई थी तो वहाँ पर भी जीडी राउंड हुआ था जिसमें हमें भी सिलेक्ट हुआ था और काफ़ी जी डी राउंड के क्लियर किया था इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ तो आपको ताकि फ़ायदा हो सके फ्यूचर में उसके बाद है हमारा इवेलेशन क्राइटेरिया कंटेंट नॉलेज आपकी चेक की जाएगी उसमें जैसे मैंने बताया आपको कितनी उस नॉलेज की आपको कितना कंटेंट की कितनी

आप टीम को साथ लेकर चलने वाले हैं कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होगा कि जो आपका टाइम कंज्यूम करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वही बोलना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वही अपने आप को दिखाना चाहेंगे कि हम ही हम हैं यहाँ पर तो उनके उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि वो भी उनको टाइम मिले सबको टाइम मिले लेकिन सभी को टाइम मिले वो भी आप उस चीज़ को मेक श्योर sure करें तो ये सब किस चीज़ की एबिलिटी होती है ये आपकी टीम बिहेवियर की एबिलिटी होती है साथ ही साथ ये आपकी लीडरशिप की स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो उसके बाद जैसे ही आप अब ये सब चीज़ें करेंगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई लीडरशिप की स्किल हो गई टीम बिहेवियर ये सब आपका रिफ्लेक्ट करेगा जीडी के अंदर ठीक अब थोड़ा सा और समझते हैं आगे चल के अब इसमें प्रिपरेशन के स्टेप क्या रहेंगे आपका आप जामिया का आपका एंट्रेंस है या फिर सॉरी जीडी है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको आ, देना है वो जी का राउंड है तो उसके लिए भी आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप्स रहते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन के स्टेप्स ये हैं सबसे पहले तो स्टे अपडेटेड अपने आप को अपडेटेड रखो न्यूज़पेपर के थ्रू अब न्यूज़पेपर आ गया अब तो न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूज़पेपर कौन सा लोकल न्यूज़पेपर के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कौन सा तो मोस्टली मैं तो वही रेकमेंड करूँगा जो मैं खुद पढ़ता था एक तो इंडियन एक्सप्रेस और उसके बाद द हिंदू है ना इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ये क्यों इसका जो एडिटोरियल का पेज है वो आपके ओपिनियन शेप करता है वो आपको एक ओ, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है वो आपको एक सोचना सिखाता है वो आपको लिखना सिखाता है ये मेरा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन है उनको पढ़ने के बाद द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने के बाद और जो करंट में भी न्यूज चैनल में जो भी चल रहे हैं जो इश्यूज हैं वो उन सब को लेकर बात ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स और एनवायरमेंटल uh, इमरजेंसी और जितना भी हमारा ओवर पॉपुलेशन हो रहा है क्राउडेड पॉपुलेशन है और जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पॉलिटी के टॉपिक्स हैं लाइक वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें है ना इस तरीके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपने आप को अपडेट रखें और क्रेडिबल सोर्स को यूज करें कोई रैंडम शॉर्ट्स वीडियो देख ली रैंडम रील्स देख ली और उस पर रिलाई बिल्कुल ना करें और उन चीजों को कोट भी ना करें और हमेशा अगर आप कोई चीज कोई आंकड़ा कोई डेटा अगर आप ये हमेशा नोट डाउन करके रख लीजिए अगर ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है अगर कोई भी डेटा अगर आप देते हैं जीडी के अंदर के अकॉर्डिंग मतलब इतना इतना ऐसे हो गया डाटा अगर आप देते हैं फिगर में तो आप उसका सोर्स भी बताएं अगर आप उसका सोर्स बताते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप जीडी में अलग रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो कोर्ट के साथ कर रहे हैं किसी ना किसी की क्रेडि कोई कोई सोर्स है जिसको आप कोट करते हुए सब बात बोल रहे हैं आपका आपकी क्रेडिबिलिटी बात ही और बढ़ जाती है तो कभी भी कोशिश करें कोई स्टेटमेंट है कोई डेटा है तो वो सोर्स देते सोर्स बताते हुए बताएं ठीक है तो ये आपका एक तरीका रहता है किस चीज़ को अपने आप को प्रजेंट करने का कहाँ पर जी के अंदर फिर उसके बाद है नॉलेज बेस फोकस ऑन सोशल वर्क थ्योरीज मैंने सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बनाया है तो इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ सोशल वर्क की जो थ्योरीज हैं फील्ड वर्क की जो थ्योरीज़ है केस वर्क की थ्योरीज़ है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज़ हैं उनके थिंकर्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा एक बेसिक आइडिया हो उसके बाद करंट इवेंट्स कोई समिट हुआ है सोशल पॉलिसीज़ क्या क्या अभी आई हैं उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो जो हो रहे हैं अंडरस्टैंड हाउ सोशल वर्क इंटरसेक्ट विद दिस एरिया सोशल वर्क किस तरीके से रिलेवेंट है यहाँ पर इस चीज़ को आपको इंटरकनेक्टिविटी आती हो आए उसके बाद प्रैक्टिस डिस्कशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्कशन के लिए कोई ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं इसी के लिए देखो मैंने जब ये मैं लिख रहा था तो मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको मैं एक चीज़ दिखा सकूँ ये ये देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक जी मीट करें हम ऑनलाइन ठीक है अगर आप इसके लिए रेडी हो तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है आर यू रेडी फॉर इट एक जी मीट कर सकते हैं हम गूगल गूगल मीट कर सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको दूंगा जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे वो एक तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे मे बी पॉसिबल हो सके तो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि हम सभी से सभी को बिहेवियर को उनके फेस को उनके एक्सप्रेशन को एक्सप कर पाएँ ज़्यादा लोग चाहिए इसके लिए चाहिए नहीं ज़्यादा जैसे मैं बता रहा हूँ आठ से दस लोग चाहिए सिर्फ ताकि हम ऑनलाइन एक जी कंडक्ट कर सकें एक मॉक मॉक जी कंडक्ट कर सकें जिससे कि आपको एक हैबिट होगी अपने आप को प्रजेंट करने की अपने आप को एक्सप्रेस करने की तो इसके लिए कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आर यू रेडी फॉर इट और नॉट अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आठ से दस लोग चाहिए सिर्फ मुझे बारह लोग मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं चाहिए वो टॉपिक हम पर्टिकुलर देंगे एक डेट रखेंगे एक टाइम रखेंगे जिस पर आप सभी आकर जो है ग्रुप डिस्कशन की ट्रेनिंग या मॉक टेस्ट मॉक कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी ठीक तो वापस आते हैं अपने वापस इसी पर तो प्रैक्टिस के लिए एक फॉर्म जैसे मैंने बोला वो सब हम कर सकते हैं ठीक उसके बाद लिसनिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए लिसनिंग और हियरिंग दो अलग अलग वर्ड हैं मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स हियरिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड लिसनिंग इज डिफरेंट थिंग आई विश देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में अभी कोई फैन चल रहा है मेरे नहीं चल रहा है क्योंकि मुझे बंद करना होता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ क्योंकि माइक में नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस उस वजह से मुझे भी फैन वगैरह सब ऑफ़ करके बैठना पड़ता है लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ अगर आप किसी रूम में हैं कहीं पर फ़ैन चल रहा है वो जो उसकी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है या

जब आप डीपली अच्छी तरीके से किसी चीज़ को सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो हम लिसनिंग स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं अदरवाइज अगर आप सिर्फ सरसरी तौर पर सुन रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हियरिंग बोलते हैं तो मैं आपसे उम्मीद है कि आप जो है लिसनिंग कर रहे होंगे जैसे इसमें लिखा जी क्या करती है इन्हांस करती है और स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है आपको एस्पेक्ट्स पता चलते हैं क्रिटिकल का मतलब ये नहीं होता कि बस खिलाफ हो जाओ क्रिटिकल का मतलब ये भी होता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक के डायनेमिक्स पता लगते हैं अगर आप एक ही टॉपिक पर अलग अलग रीजन के लोगों से बात करोगे तो आपको पता एका कितना डायनामिक है चीजें ठीक है तो क्रिटिकल का भी हमें पता लगता है क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप एबिलिटी टू एनालाइज टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक ही टॉपिक को समझने का मौका मिलेगा हमें प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर द अगेंस्ट कॉमन जीडी टॉपिक्स ओके फिर उसके बाद क्या हमारा प्रिपरेशन स्टेप रहा कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क ऑन क्लैरिटी क्लैरिटी work on clarity whatever you are saying you must be clear about it it there must be cohesion there must be consciousness in your speech whatever you are speaking what words you are using. What words are you are selecting while speaking? This reflects a lot your personality. So practice speaking slowly and confidently. Okay, this is the thumb rule for the speaking also, and the practice slowly and confidently. about the participation? The medium could be anything, it may be English or it may be Hindi. The uh, medium could be anything. I am telling you, medium could be anything at university level, or whenever you are going for the placements, whenever you are going for the admission round, the the medium could be anything, it would be English.

Uh, जब भी आप बोलें जो मैम ने हमको बोली थी वो मैं नोट्स आज भी साथ लेकर रखता हूँ अपने पास हैं मेरे पास उसके बाद आप जो भी अदर कोई पर्सन बोलता है तो आप सभी डायरी पेन आपके पास हो कुछ में अलाउ करते हैं कुछ में नहीं अलाउ करते हैं डायरी पेन में आप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन लिखें अगर इनिशिएट करने की कोशिश करें यू कैन इनिशिएट द डिस्कशन आप डिस्कशन को इनिशिएट करते हैं तो उससे सीधा रिफ्लेक्ट होता है कि यू हैव अ लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर शुरुआत करने की साहस है यू हैव अ करेज टू स्टार्ट है तो जब आपके पास अगर करेज किसके अंदर होगा जो कि जिसके अंदर नॉलेज होगा ये सब इंटरलिंक चीज़ें हैं एक दूसरे से जो हमारी नॉलेज है नॉलेज हमारा कॉन्फिडेंस गेन करती है जो हमारा नॉलेज है वो हमारा कॉन्फिडेंस गेन करती है और कॉन्फिडेंस आपको लीड कराती है ये एकदम एक दूसरे से इंटरलिंक है चीज़ें तो इसी तरीके से अगर कोई इनिशिएट करता है कोई टॉपिक जैसे मैंने बोला बोलाथेनेशिया अगर हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो दस से बारह

Acknowledge their कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर प्रेजेंटिंग योर views. लाइक like, किसी ने कुछ बोला कि यूथेनेशिया बहुत ही खराब है किसी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए उसको ठीक ही ठीक करो अगर कोई चाहता है अच्छा मृत्यु अच्छा मृत्यु नहीं होनी चाहिए मैं इसके खिलाफ हूँ ऐसा बोल दिया उसके बाद उससे सीधा एकदम अटैक नहीं करना है उस पर सीधा अटैक नहीं करना है कि नहीं नहीं हाउ केन यू से दैट इस तरीके से सीधा अटैक नहीं करना है ऐसे वर्ड नहीं बोलने लाइक हाउ डेड यू से इस तरीके से अटैक नहीं करना है किसी उसकी उसको सुनना है उसके बाद उसके रिव्यू का कर रेस्पेक्ट करना है जैसे कि मैं आपकी बात की इस, 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 मैं आपकी बात को समझता हूँ मैं, मैं आपके पॉइंट ओपिनियन का कदर करता हूँ रेस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ फिर मैं अपना उस पर कोई एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ इस चा, चाहती हूँ इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स दिखेंगी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखेंगी और जो कि आपके बिहेवियर का एक काम एक काम पर्सनैलिटी आपकी रिफ्लेक्ट होगी किसमें जी के राउंड में जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है उसके बाद रेस्पेक्ट देना है बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट सभी के लिए रेस्पेक्टफुल रहना, रहना है पोलाइट रहना है इवन इफ़ यू आर डिसग्री वट जो मैंने आपको बताया वट एवर इफ वेदर यू इवन इफ यू यू डिसग्री विद समस ओपिनियन अवॉइड इंटरप्टिंग अदर्स उसके बाद क्लैरिटी बी क्लियर एंड एक्यूरेट योर पॉइंट्स वेल बी यूज सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड जॉर्गन्स अवॉइड जॉर्गन्स डोंट बी शशि थरूर इन जी डी डोंट यूज़ जारगन्स जारगन्स मीन्स हैवी हैवी वर्ड्स तुम डोंट यूज़ दैट हैवी वर्ड इस्तेमाल मत करो सिम्पल क्लियर और सिंपल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल ऐसे वर्ड यूज़ करो रोज़ाना बिहेवियर के तो वो अच्छा रहेगा डोंट यूज़ जारगन अन ने अगर कहीं ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ देट वर्ड बट अननेसेसरिलली डोंट यूज़ जरगन्स ओके उसके बाद समराइज समराइज करना होता है क्या समराइज करना होता है जो भी आपकी पूरी जी डी रखी एक लीडर जब जी डी हमारी शुरू होती है उसमें एक कोई इंडिविजअल है जो इनिशियेट लेता है जो इनिशियेट लेने से पहले क्या करता है सबका वेलकम करता है कि मैं सब आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल मेम्बर्स हो पार्टिसिपेटेड वी हैव दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन इट वेरी पॉजिटिवली एंड इस तरीके से क्या करता है कि वो शुरुआत करता है एक लीडर फिर उसके बाद उस टॉपिक पर बोलता है कि आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस दिस टॉपिक एंड आई वॉन्ट आई बिलीव इन दिस 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 पॉइंट्स ओके उसके बाद जब ये सब सारा फिर उसके बाद अदर्स को भी ऑप्शन आता है फिर अदर्स भी अपने अपना अपना सबका सुनता रहते हैं लिखते रहते हैं किसने क्या क्या, क्या पॉइंट बोला फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अपनी नोटबुक में जब कोई कुछ बोलता है वो कौन से वर्ड्स यूज कर सकता है और आपके आपके पास उसके काउंटर में क्या है तो वो सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज़ करें लाइक कैमरा मैन ना करें चेयर मैन ना करें पर्सन कैमरा पर्सन है ना इस तरीके से ऐसे वर्ड यूज़ करें जो कि हमारे जेंडर न्यूट्रल हैं ठीक है, है? ऐसे तरीके के वर्ड यूज़ करें ना कि ऐसे कि जो कि आपके जेंडर स्पेसिफ़िक हैं ऐसे टर्म यूज़ ना करें जो कि आपकी कॉन्शियसनेस दिखाते ही आपको सेंसिटिविटी बताता है कि आप किस लेवल तक सेंसिटिव हैं आ, जेंडर को लेकर या फिर आ, अदर जेंडर को लेकर भी ठीक है तो इस तरीके से वर्ड को यूज़ करें वर्ड्स यूज करें और फिर नोट डाउन करते चले अगर कोई कोई वर्ड किसी uh, कोई बोलता है कोई स्पेसिफिक सेंटेंस या कुछ भी अगर आपको उसके अगेंस्ट बोलना है तो आपका राउंड आता ही आपका नंबर आता ही आपको उन वर्ड्स को बताते हुए कि ये ये दिस दिज वर्ड्स यू हैव यूज इन दिस डिस्कशन बट आई एम डिसग्री ऑन दिस बिकॉज आई बिलीव इन दिस एंड आई बिलीव इन दैट इस करके आ, ऐसा करके आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ स्टेप्स हैं किसके जी के ग्रुप डिस्कशन करने के जब आप

participant b said about this and participant c said about this and he said about this and i was disagree with this why because i give this reason uh, that i am not agree with him or her so is tarike se aap karke then we have concluded that the most of this most of the uh, participants were favoring the euthanasia and the number if you have a number like uh, like 12 so you can say the eight member of the uh, discussion ground they were uh, favor in the euthanasia and four were against of the euthanasia both played well both gave the reasons and then the देन वी कैन गो देन यू कैन एक्नोलेज द पैनल ऑल्सो देन आपने हमें मौका दिया यू गेव वॉज प्लेटफॉर्म टू डिसकस अबाउट दिस ब्यूटिफुल टॉपिक और दिस दिस इशूज तो यू कैन डिस्क्राइब एनी थिंग तो समराइज करने के लिए आप सभी रेडी रहें क्योंकि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन लिख करें किसी के पास भी समराइज़ करने के लिए ऑप्शन आ सकता है हो सकता है ठीक है तो इसमें समराइज़ करना है समराइज में डिस्कशन टूवर्ड्स एनवर्ड करना है और हाईलाइटिंग द करना है की पॉइंट वर्ड जो है कवर्ड हुए हैं इसमें इस तरीके से आपका क्या चलता है पूरा एक जीडी डिस्कशन चलता है और आपको कुछ वर्ड्स के अंदर बताऊं मैं सिर्फ एक दो वर्ड के अंदर बताऊं तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए तो मैं आपको बताऊं बी डेमोक्रेटिक आई होप कि मैंने इस वर्ड में बहुत कुछ कह दिया है बी डेमोक्रेटिक दूसरे के डिसेंट को भी एक्सेप्ट करना है अपना ओपिनियन भी तरीके से रखना है किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवाना है लीडरशिप की स्किल दिखानी है को आप लीगल चीज़ों को बोलें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें इकनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें आप अपनी बात रखने का जितना स्वतंत्र आप हैं उतना दूसरा भी है तो उसके ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करें तो इस तरीके से मैं बोलूँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कहाँ पर आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जीडी में अगर मैं एक सिंगल सेंटेंस में आपको बोलूं कि जीडी की प्रिपरेशन कैसे करनी तो उसके लिए क्या है बी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रहिए पूरे डिस्कशन के अंदर मौका मिले तो बिल्कुल बोलिए मौका छीनना नहीं ज़बरदस्ती नहीं करना लेकिन इस तरीके की चीज़ें रखना अगर कोई और को मौका नहीं मिल रहा है आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ए मेंबर सी मेंबर डी मेंबर ही बोले जा रहे हैं बाकी ए एफ जी एच कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं तो आप उसको लेके भी बीच में बोल सकते हैं कि गिव अदर मतलब अदर को भी चांस मिलना चाहिए प्लीज़ तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं तो ये एक तरीका होता है किसका uh, जो भी आपका जी uh, डी होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है उसका ये एक फॉर्मेट होता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर अपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जीडी राउंड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाओगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पॉजिटिव जेस्चर बॉडी का लैंग्वेज पॉजिटिव जेस्चर होना चाहिए आई कांटेक्ट करना है तब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे तो उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंट दिखता है आंखें चुरा के बात करोगे हाथ को रगड़ते हुए बात करोगे उंगलियों को दबाते हुए बात करोगे पैर के ऊपर पैर रख के बात करोगे तो आप जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे पैर शेक करेगा आपका तो वो आपका अच्छा नहीं दिखता है तो इस तरीके से आपको जो है अपनी पॉजिटिव जो बॉडी का पोस्चर जो है क्या रखना है पॉजिटिव रखना है पॉजिटिवली आपके बॉडी का पोस्चर आपका होना चाहिए ठीक है इनिशिएट कर सकते हैं आप किस तरीके से भी और सबको अदर अदर चांस देना है जो भी उसका थीमेटिक एरिया है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं आप डेटा दें अच्छी बात है नहीं दें तो भी चल जाएगा लेकिन जब भी डेटा दें तो कोशिश करें कि कोट दें कोई कोई ना कोई सोर्स बताएं कि आपका रेट का सोर्स सोर्स क्या है और एक लास्ट में एक चीज बात बोलूँ तो ये आप जी के अंदर कैसा रह सकते हैं बी इज़ नॉट ईजी बी इज बट नॉट द इजी आप इस तरीके से भी अपनी पर्सनैलिटी को उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर जी के अंदर तो जी के अंदर आपको देख के सुन के समझ के आया होगा कि ये जी जो राउंड है वो कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से एक एक की पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है करता है ठीक है तो ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है यही सब चीज़ें तो so, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब यह है कॉन्क्लूजन की तरफ जैसे मैंने बताया राइट डाउन ऑल द कंक्लूजन ऑप्टेन फ्रॉम द वोट और डिस्कशन ठीक इस तरीके से भी आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं यह है हमारा अकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल का लोगो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी के साथ जो जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वैदर इट इज़ फॉर द प्लेसमेंट्स वैदर इट इज़ फॉर द एडमिशन राउंड और इट कु एनी थिंग तो आप जो है शेयर कर सकते हैं ये पूरा टेम्पलेट्स मैंने बताया ऑब्जेक्ट बताया फॉर्मेट बताया और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा लास्ट में फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो आपके साथ मैंने शेयर किया है सॉरी ये ये जो मैंने आपको दिखाया है जी मीट फॉर द अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फिर टॉपिक भी हम डिस्कशन कर लेंगे जो भी आप टॉपिक बोलेंगे कोई भी तीन टॉपिक देंगे उन तीन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर बोलना पड़ेगा आपको तो इस तरीके से हम एक जी डी कंटेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय